नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जनता के प्रति अपना हमेशा फर्ज निभाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी वो फर्ज भी निभाते हैं जो पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, यानी मोदी का काम, मोदी का फर्ज राहुल गांधी निभाते हैं जनता के लिए। और एक बार फिर से इसी बात को राहुल गांधी ने प्रूफ किया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि जो काम मोदी को करना चाहिए वो राहुल गांधी ने कर दिखाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, हमेशा से ये कहा गया है, जनता हमेशा से कहती आई है कि नरेंद्र मोदी जनता से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। दूर से भले ही बड़े बड़े बयान देते हैं लेकिन जनता के बीच कभी नजर नहीं आए। लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो हमेशा आपको जनता के बीच नजर आएंगे। हर कुछ समय के बाद राहुल गांधी जनता के बीच नजर आते हैं। वो जैसे हालात में रहते वैसे ही जनता से मिलते हैं, चाहे वो मोची से मिलना हो या किसी और से। कई बार ऐसा होते देखा गया है, राहुल गांधी हमेशा जमीनी स्तर पर जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने एक कैब बुक की अचानक से और फिर सवारी के लिए निकल गए। कैब ड्राइवर का नाम सुनील उपाध्याय था। राहुल गांधी ने उनसे लंबी बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी, उनके परिवार से बातचीत की, उनका अनुभव जाना, जिसका वीडियो खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लंबे चौड़े वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यवस्था। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। अब देखिए, हमेशा राहुल गांधी की इस मुलाकात का मकसद कुछ और होता है, जनता का भला करना। और इसमें भी दिखा कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स है जैसे कैब ड्राइवर्स हो गए, डिलीवरी एजेंट्स हो गए, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस सफर का मकसद यही था। आपको बता दें, इस लंबे चौड़ी वीडियो में राहुल गांधी सबसे पहले तो ये नजर आते हैं कि वो कैब ड्राइवर से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, पहले आप वो वीडियो देखें कि कैसे राहुल गांधी कैब ड्राइवर से बातचीत कर रहे हैं। हमारी जो सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजेक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया रहा यार, एटलीस्ट सिक्योरिटी तो आए ना कि भैया थोड़ा सा लास्ट में जाके अगर मिल जाएगा तो उससे कुछ राहत हो जाए। बिल्कुल, दो काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ दो काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा, ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाल, बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं, मतलब मिनिमम वेज होना चाहिए। हाँ, कम से कम, हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। जिसने गाड़ियां लेनी ना सर, किस्तें नहीं डाल पा रहे, ये कंडीशन है। सारे टैक्सी वाले रो रहे हैं इस टाइम, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था, सिर्फ टीवी पे देखा था, आज देख के धन्य हो गया। मैं जब समझदार हुआ था, सबसे पहले जब वोटिंग लाइक हुआ था तो पहला वोट मेरा कांग्रेस के लिए गया। तब मैं ये पार्टी फार्टी नहीं जानता था, क्योंकि तब लोग करते थे ना सारा काम, ये वोटिंग कांग्रेस थी ना पहले। हाँ। उस समय 70 साल जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो बनाया किसने? बिल्कुल, अरे ये आजकल जो इतना यहाँ पे शीला दीक्षित थी, यहाँ सारे फ्लाई ओवर दिल्ली में जो काम है सारी देन शीला दीक्षित की देन है। सही बात, तो ये कौन बनवा गया भाई? आसमान से तो नहीं गिरे। नहीं, ये कौन बनवा गया? होती है, हमें भी मिलते हैं, राजनीतिक मिलते हैं, गाड़ी में बातचीत होती रहती है। और सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है काम के लिए, कौन सा? वो दिन चले गए, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई दिन मेरा 5,000 का नहीं आया। अब मैंने कल उससे बोला था वाइफ से, मैंने कि यार अब घर ही चलना पड़ेगा। मैंने कि देख अब कंपनी मेरे, घर जाओगे तो क्या करोगे? घर जाके वही है कि बच्चों को अपना सरकारी में डाल दो, अपना जो भी है। तो देखा आपने, सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इसके अलावा जो कैब ड्राइवर है सुनील जी, उनके बच्चों से, उनके परिवार से भी वीडियो कॉल पर बात की। वो वीडियो भी देखिए। नमस्कार पापा, जैसे लगते हो ये आपके बच्चे हैं? नमस्कार, क्या करती हो तुम? ये बच्चे। अच्छा,
ठीक चल रहा है और नाइस टू मीट यू। ये बेटी है, भाई की बेटी है। हाँ। और वाइफ आपको क्या कहती है? वाइफ तो बस समझे उनके जो सपने हैं वो हमने क्या उनके सपने क्या? वो तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन उसने कर रखा है जबकि बीएड कर रखा है। बीएड एमए डबल इंग्लिश से एमए बीएड कर रखा है। तो क्या सपना है उनका? मैं सोचा था शादी हुई थी हमें लग रही है लग जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी बता दें कि राहुल गांधी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी गए उन कैब ड्राइवर के साथ, उनकी पत्नी के साथ और उनके बच्चों के साथ। वो वहाँ मस्ती करते नजर आए, वो वीडियो भी आप देखिए। उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा, तो उसमें आपका पूरा पैसा जाया हुआ है। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में, ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है? मतलब ये टेम्पररी है? परमानेंट है लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया? मतलब वही के वही है, उतना ही है। मतलब खा लिया उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था। कल से परेशानी, सुबह जल्दी उठ के बोली केशव से मिलने जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत सुबह। हम लोग अभी बोल रही है, फिर नहीं बोलेगी इतना। न्यूज़ पे देखती है? हाँ, न्यूज़ पे देखती। अब तो बिल्कुल शर्मा रही हो। हाँ? मेरे साथ थोड़ी शर्माना है तुम्हें? आपको नाम लेके बोल रही थी, आपका नाम ले रही थी। मैंने ये बोल दिया ना सर, न्यूज़ देखते हैं ना हम लोग, तो बड़ी होके क्या करोगी? पढ़ाई, बड़ी होकर पढ़ाई थोड़ी करोगी? पढ़ाई तो छोटी होगी तब करोगी। पढ़ाई करने के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? और आपका क्या प्लान है? डॉक्टरी। कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मैथ। और अच्छा कौन सा लगता है? बाकी सब। आप भी यूपी के हैं? कानपुर से हूँ सर मैं, कानपुर। लेकिन मैरिज मेरी एटा में हो गई तो मैं एटा शिफ्ट हो गई। एटा कैसी जगह है? ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक ही है, लेकिन बस वही है कि। सबसे पहले आपको क्या लगा जब आपने दिल्ली देखी पहली बार? कुछ नहीं लगा, बस फिर तो अपने घर की याद आती है यहाँ। आपसे मुलाकात हो गई, इतना क्या कम था। कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इनसे बात करना हो तो जो आप लोग इन पर डिपेंडेंट हो तो आपसे भी बात कर लूं। 24 घंटे हो जाते हैं, ना खाने का सिस्टम ना सोने का, वही है 24 घंटे होने के बाद तो फिर ऐसा ही होता है, टेंशन रहता है। आइसक्रीम अच्छी लगती है? सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा फास्ट फूड। हाँ। अच्छा, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें आईएएस में जाने के लिए। घर का जो खर्चा था उसका ब्रेकडाउन क्या है, कितना पैसा कहाँ जाता है? एजुकेशन में सर इसकी, क्योंकि अभी यही एजुकेशन कर रहा है क्योंकि वो तो नहीं हो पाया। छोटी अभी? नहीं, छोटी तो नहीं है, एज हो गई करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इनकी मंथली लगभग में 3.5 के समथिंग फीस, फिर रेंट पर पोर्शन है तो सर उसका लगभग में 8 के समथिंग पड़ता है, लाइट वगैरह, और उसके बाद में सर राशन है किचन का, लगभग में पड़ जाता है 7-8 का समथिंग, क्योंकि हर चीज़ पे तो रेट इतने हाई है। जब तक कोई फ्यूचर नहीं होगा तो क्या होगा सर, ना तो इनका दिख रहा है ना हमारा दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा खा लिया? आज इनको भी भरोसा हो गया, इन्होंने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है? आज सर पिक वगैरह डाली थी ना तो मतलब एकदम देखा तो हमने कहा हमने यार आपने तो देखा आपने। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी को ये काम करना चाहिए था, जनता की समस्या सुननी चाहिए थी, जमीनी स्तर पर जानना चाहिए था कि भैया किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वर्कर्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या उनकी समस्या, वो काम राहुल ने कर दिखाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी का काम राहुल ने किया है और जिससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता टेंशन में आ जाएंगे क्योंकि राहुल का ये अंदाज अब सबको पसंद आ रहा है। इस वायरल वीडियो पर राहुल के अंदाज पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।